लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जबकि पैनामा शहजादे हुसैन नवाज क्या फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। फिर अचानक क्या हुआ? 2016 में पैनामा लीक्स के जरिए शरीफ खानदान पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया, लेकिन बादशाह सलामत नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली से ये फरमान जारी किया, ये प्रॉपर्टीज 2005 में दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियां बेचकर खरीदी गई। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी वसी कताय राजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाजे और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूं कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए एक रुपया भी बाहर नहीं गया। लेकिन बेगम कल्सूम नवाज और इनके चार दरबारी कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। लंदन की प्रॉपर्टीज 90 की दिहाई में खरीदी गई। मेफेयर में और पार्क लेन में घर है। जी जी, वो हसन के नाम। कितने अरसे से मानते हैं? वो तकरीबन मेरा ने हसन इस वक्त 90 की मिडिल में वहां पे गया था, 15-16 साल 14 साल। कब कारोबार शुरू किया? शुरू किया जब उनको पाकिस्तान में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। ये जिस प्रॉपर्टी की है, जिस चीज की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियां साहब के जो दो फ्लैट है उनमें मैं गया भी। 30 साल हो गए उन फ्लैट को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। 20 साल हो गए तकरीबन, या 18 में एक दो साल आगे पीछे हो सकता हूँ। तो ये कोई अमूनी बात नहीं है, रिकॉर्ड पे है। हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है, पैसा कहां से आया रिकॉर्ड पे है। और ये देखिए कि लंदन की प्रॉपर्टीज को बादशाह सलामत ने 1999 में लंदन हाई कोर्ट में गिरवी रखवा दिया। बकौल बादशाह सलामत के 2005 में खरीदी गई प्रॉपर्टीज को उन्होंने कैसे 1999 में लंदन हाई कोर्ट में गिरवी रखवा दिया, जबकि बादशाह सलामत अपनी पैनामा शहजादी को 2012 में FBR में अपनी डिपेंडेंट दिखा चुके हैं। नतीजा ये निकला कि क्यों बादशाह सलामत ने चोरी को छुपाने के लिए ये झूठ बोला कि प्रॉपर्टीज 2005 में खरीदी गई, क्योंकि ये पैसा 100% करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का था।